वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं खुशहाल डागर। तो भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक चीज़ भाई, हमने फॉर्चुनर ली थी, आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, तो इसकी टंकी फुल करवाई थी भाई। वो क्लिप मैं ऐड कर दूंगा इसके साथ। तो उस टाइम पे हुई थी, इसमें आया था 81 लीटर के समथिंग फ्यूल आया था, मतलब जो डीजल है अपना। और उसके बाद हमने खूब रफ एंड टफ चलाई है। अगले दिन जैसे हम आज वेलोसिटी गए थे अपना लुधियाना, इसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट फ्यूल टैंक था वो कितनी चली उसमें, जिसमें हमने हर तरीके से भाई गाड़ी चलाई थी, रफ भी चलाई थी और भाई प्यार से भी चलाई थी, काफ़ी स्मूथ भी चलाई थी, एवरेज भी निकाली थी, हर तरीके से चलाई है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कितनी चल चुकी है गाड़ी और अभी फ्यूल कितना बच रहा है इसमें। तो भाई अभी ये देख लो, इतना फ्यूल बच रहा है और जो किलोमीटर हमने ड्रिवन करे है वो है 704। 6 किलोमीटर ये पहले से चली हुई थी, तो अब देख लो कितना फ्यूल है। और जो एवरेज ये शो कर रही है वो कर रही है भाई 13 की। ये देख लो 13 की माइलेज शो कर रही है, 140 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है। तो अब इसको देखते हैं भाई कितने किलोमीटर चलती है। वैसे जब हमने फुल करवाई थी उस टाइम पे 800-850 की रेंज दिखा रही थी। तो अभी इसको काफी प्यार से चला रहे हैं, फिर भी ये मतलब जो ऊपर इंस्टेंट एवरेज होती है वो बिल्कुल 10 पे आके रुकती है। ये देखो भाई पंजाब के नज़ारे, मतलब अलग ही है भाई चीज। काफी अच्छा कल्चर है भाई यहाँ का, नेचर भी लोगों का काफी अच्छा है ना जी? बिल्कुल भाई। जब आपने, जैसे आपका वो कैसा रहा एक्सपीरियंस पंजाब आने का? और मतलब पंजाब आने का मेरा शुरू से, मतलब स्टार्टिंग से एक्सपीरियंस बड़ा बेहतरीन। यहाँ के जो लोग है ना, मेरे को स्टार्टिंग से वो भाई बड़े अच्छे मिले हैं। अच्छा, तो एवरेज के बारे में बताओ कुछ, मतलब गाड़ी की जो जैसे एवरेज दे रही है भाई। पहले ही दिन तो अभी एवरेज दिखा रही है 13 की दिखा रही है। अच्छा, जिसमें अलॉय डालने के बाद इसकी टेस्टिंग की गई थी। अच्छा, जिन्होंने अलॉय डाले हैं उन्होंने टेस्ट किया, थोड़ा रफ भी चलाया, हर तरीके से टेस्ट किया कि गाड़ी बबलिंग तो नहीं मार रही, कोई साइड तो नहीं खींच रही। अच्छा। हर तरीके से टेस्ट किया, मतलब ब्रेकिंग वगैरह हर चीज, मतलब 10-12 किलोमीटर आराम से चलाइए, मतलब खूब रफ एंड टफ चलाइए, मतलब हर तरीके से टेस्ट करके फिर दी है मेरे को। अच्छा, तो इसकी ये बताओ एवरेज, जैसे आपके पास पहले भी फॉर्च्यूनर थी, उससे पहले भी फॉर्च्यूनर थी, और खैर इस फॉर्च्यूनर से पहले जैसे आपके पास हैरियर थी, तो हैरियर बीच में लेने का जैसे जो कारण बना उसमें और इसमें माइलेज का कुछ डिफरेंस लगता है आपको? भाई हैरियर, हैरियर में 2000 cc का इंजन है। हाँ, ऊपर से आपने वो ट्यून करवा रखी थी। ट्यून करवाने के बाद है ना, वो कभी कभार माइलेज अच्छी देती है, जैसे लोकल में ही 13-14 निकाल, मतलब इससे अच्छी एवरेज थी उसकी भाई, थी पर वो गाड़ी अच्छी नहीं थी जो बात। अच्छा, और इससे जो पहले फॉर्च्यूनर थी आपके पास भाई, उसकी एवरेज कैसी थी? मैंने जैसे लोकल में तो उसने मेरे को दी है 9 की लास्ट, 9 की एवरेज दी थी लास्ट, वो आपकी 4x4 ऑटोमेटिक थी। हाँ जी, ये 4x2 ऑटोमेटिक है भाई, देख लो। तो भाई पर उसने एक बार मेरे को ना, मैं आया था अपना खन्ना, अच्छा पंजाब में ही खन्ना आया था मैं, डबवाली खन्ना, तो ये दो जगह में उस दिन मतलब कोई मेरी गाड़ी चली थी 800-900 किलोमीटर चली थी। अच्छा अच्छा, तो उस दिन वो मेरे पुराने वाली फॉर्च्यूनर ने मेरे को एवरेज दी थी 14 की एवरेज निकाल दी थी उसने। हाँ, उसने निकाल दी थी, मतलब बड़े प्यार से चलाई थी। अच्छा, और जो उससे वो पुराने वाली एवरेज फॉर्च्यूनर थी मेरे पास, उसने कभी भी मतलब कितने प्यार से चला लो, अच्छा मतलब कैसे भी चला लो लॉन्ग ट्रिप पे, उसे 11 से ऊपर की एवरेज नहीं थी। अच्छा, और जो आपकी जो उससे पहले फॉर्च्यूनर थी, जो 2015 में आती थी ओल्ड शेप, उसी की बता रहा हूँ, उसने कभी 11 से ऊपर एवरेज दी? 11 से ऊपर नहीं दी, नहीं दी उसने कभी। अच्छा हाँ, तो भाई वो 3000 cc आई 2800 कर दिया, और अब तो खैर ये और ज्यादा ट्यून कर दिया, काफी स्मूथ कर दिया गाड़ी। और जो है ही नहीं गाड़ी, साउंड है ही नहीं बिल्कुल, जैसे एक्सीलरेट करते हैं तो डाउन नहीं मारती, उसी में खिंची चली जाती, खिंच जाती है। हाँ, मतलब डाउन वाली में तो भाई साउंड था, बहुत ज्यादा साउंड था, फर्क किया है टोयोटा ने, बहुत ज्यादा फर्क किया गाड़ी के अंदर, इंजन में काफी ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा, उससे माइलेज भी इंक्रीज हुई है गाड़ी की। भाई अब 13.1 की आ रही है, 13.1 शो कर रही है, ये देख लो भाई। और इसमें भाई काफी ज्यादा, मतलब ये भी नहीं है कि प्रॉपर हाईवे पे चल रही है, बीच बीच में ट्रैफिक भी आ रहा, गाड़ी गियर भी डाउन मार रही है, मतलब कहीं अब देख लो स्पीड, देख लो भाई गाड़ी की 40 पे चल रही है, कहीं 100 पे भी चला है, कहीं 40 पे भी, कहीं 60 पे भी, हर तरीके से गाड़ी चल रही है। ये नहीं है कि मतलब एक प्रॉपर हाईवे की एवरेज निकली है, मतलब जो गाड़ी प्रॉपर एवरेज दे रही है वो 13 कुछ की शो कर रही है। और पता चलेगा डीजल डलवाने के बाद की एवरेज टोटल कितने की दी है। हाँ, क्योंकि अभी जब ये भी कंफर्म नहीं दिखाएगी, बीच में जो रोड टेस्टिंग पे गई थी अभी, हाँ, उसमें कम बढ़ती थोड़ी बहुत हुई है,
तो अब भाई 81 लीटर इसमें तेल आया था, तो भाई अब अपने हरियाणा में एंटर कर रहे हैं, अंबाला आ चुका है ये देख लो सामने। तो अब इसकी जब टैंक फुल करवाते तो मैं आपको क्लिप ऐड करूंगा, फिर देखते कितना तेल आता है और उसको डिवाइड वगैरह करके हर चीज से आपकी एवरेज बताऊंगा कैसी क्या एवरेज दी है गाड़ी ने। तो भाई फाइनली पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, गाड़ी चल गई भाई अपनी 751 किलोमीटर। एक बार तेल दिखाओ कितना है अभी। तो भाई इतना तेल है अभी गाड़ी में ये देख लो। तो अभी भाई हाईवे पे चढ़ रहे हैं हम, क्या पता आगे पेट्रोल पंप मिले ना मिले। रेंज की बात करते हैं तो भाई रेंज दिखा रही है 106 किलोमीटर। तो टंकी फुल कर दे भाई, तो फुल करवाते हैं, अब देखते हैं कितना लीटर तेल इसमें आता है। रेट की बात करते हैं तो रेट चल रहा भाई 90। हाँ तो अभी करवाते हैं भाई फुल, देखते हैं कितना तेल आता है अपनी फॉर्च्यूनर में। अंकल ये क्या लगाया था आपने? ये अच्छा तो भाई आजकल ये सिक्योरिटी का नया सिस्टम चले गया है, जब ये लगेगा ऐसी अपनी फॉर्च्यूनर देखना कितनी गंदी होगी भाई। धूल देखो और ये देखो अब चल रहा है तेल, तो देखते कितने लीटर तेल आता है। भाई 5131 पे ऑटो कट लग गया है, 56 लीटर 57 हो गया। ऊपर तक करवा रहे क्योंकि पिछली बार भी ऊपर तक करवाया था, तो पता चल जाएगा भाई कितने लीटर तेल इसमें आया है। हो रहा है भाई ये हो गया 58 लीटर आ गया, बढ़ता जा रहा है, ऊपर तक हिला हिला के भरवा देंगे। तो भाई ये करवा दिया बिल्कुल ऊपर तक फुल, ये आया भाई ये देख लो। अब इसको 81 में से माइनस कर देंगे फिर एवरेज निकल जाएगी इसकी। जब भी ऊपर तक ही थी, जब इतनी ना थी, इतनी नहीं थी मतलब थोड़ा बहुत फर्क था। तो अब इसकी भाई पर्ची दे दो आप मेरे को, तो मैं अब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखाऊंगा कितने एवरेज दिया गाड़ी ने और कितने किलोमीटर चली है। 751 किलोमीटर चली गई, मतलब 750 लगा लो फुल टैंक में, फुल में से जिसमें बच रहा था काफ़ी ज़्यादा फ्यूल। तो अब इसमें भाई ये आया है कितने लीटर, 59.78, ठीक है, तो मतलब 59.59 लीटर मान लो। तो अब इसको भाई मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, शीशा थोड़ा गंदा हो रहा था, फ़ोन देना एक बार अपना। अब एवरेज निकाल लेते, तो अपनी गाड़ी चली 750 किलोमीटर माइनस मतलब डिवाइडेड बाय अब तेल आया था, जो आया था 59.5 लीटर। तो अब ये देख लो भाई 12.60 की एवरेज आई है, मतलब 12.5 मान लो, 12.5 की एवरेज दे रहा है, दे रही है भाई अपनी गाड़ी। तो क्या ही दिक्कत है, मतलब बढ़िया मज़े ही आ गए भाई 12.5 की, जो मतलब मीटर में शो कर रही थी वही एवरेज दे रही थी। है बिल्कुल एक्यूरेट थी, है ना, लगभग एक्यूरेट थी, बस वो है कि थोड़ा चलाने के ऊपर भी फर्क आ रहा था। हाँ इसमें हमने रफ एंड मतलब हर तरीके से चलाई थी। हाँ और वो तो टेस्टिंग के लिए उसमें करना पड़ा ना वो। हाँ और अपना भाई एसी वगैरह हर चीज ऑन था, गाड़ी इको में ही चली है ज्यादातर, तो स्पोर्ट्स में बस 5-7 किलोमीटर चली हुई। स्पोर्ट्स में जब चली तब ये टायर की अलॉय की टेस्टिंग पे गई थी। हाँ क्यों ना एकदम तो भगा कर सारी चीज कर बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये देख लो भाई इसमें ये आया है अपना, मतलब 12 की एवरेज दी है गाड़ी ने फॉर्च्यूनर ने, जो फर्स्ट फ्यूल टैंक हुआ था, मतलब पहला फ्यूल टैंक हुआ था उसमें भाई इतनी एवरेज दी है, काफी अच्छी एवरेज है भाई। अब सर्विस के बाद जो अपनी 10,000 वाली सर्विस होगी उसमें तो भाई ये काफी ज्यादा अच्छी एवरेज दे देगी, मतलब 15 तक पहुंच जाएगी आराम से। लाइट भाई बिल्कुल बकवास है, मतलब जो पहले फॉर्च्यूनर में थी उस बिल्कुल आर पार लाइट थी। और अब देख लो भाई कैसा रिस्पॉन्स है, आपको खुद दिख रहा है भाई रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अब भाई चलते हैं घर की तरफ, और एक बार घर पहुंच के एक बार फिर से टैंक फुल करवाएंगे, फिर देखेंगे क्या एवरेज दिया एक बार, है ना, ठीक है। से आ रहे थे और ये देखो भाई मंत्री का काफिला चल रहा है, GLS जा रही है, उसके आगे जैमर लगे हुए थे फॉर्च्यूनर पे, वो जा रही है पीछे देखा भी, ये जा रही भाई देख सकते हो फॉर्च्यूनर के ऊपर क्या लग रहा है। और ये देखना भाई एक ही एंडेवर गई, उसके आगे एक और एंडेवर थी, अब देखना भाई ये एक और एंडेवर गई, और अभी रुक जाओ भाई
एक ये गई भाई सीएम है भाई इसमें शायद मेरे हिसाब से जो अपनी जीएलएस जा रही है, तो फॉर्चुनर एंडेवर और फिर जीएलएस फिर पूरी स्क्वाड भाई, और एक ये स्कॉर्पियो गई भाई पायलट वाली, और तो नहीं है भाई, मतलब 7-8 गाड़ियों का काफिला था, एकदम तरीके में जा रहा है अम्बाला से रोहतक वाले रोड पे, ये देख लो भाई मौज आ रही है सीएम की भी। तो भाई ऐसी कुछ अपनी एवरेज थी अपनी फॉर्च्यूनर की, तो इस वीडियो को भाई यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।